काँग्रेस कमिटी मूर्तिजापूरच्या वतीने काश्मीर पुलवामा येथे भारतीय सैनिकावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या विरोधात कॅन्डल मार्च काढून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच या कॅन्डल मार्च मध्ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद जवान अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय अशा प्रकारची नारेबाजी करण्यात आली. तसेच हा कॅन्डल मार्च जुनी वस्ती मूर्तिजापूर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत काढण्यात आला. या कॅन्डल मार्चचे नेतृत्व काँग्रेस शहर प्रमुख दिनेश दुबे यांनी केले. सोहेल शेख, दीपक खंडारे, तौसिफ खान, सुबोध बंग, अब्दुल कुद्दूस, सागर दुबे, सोहेल खान तसेच स्थानिक शाळेचे विद्यार्थी, मुले मुली तसेच स्थानीय सर्व धर्माचे नागरिक व सर्वपक्षीय नागरिक शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होते. जरूरत आ गई है की जिन 40-42 लोगों की शहादत हुई है आज उनके घर पर जाके देखो क्या मात्रा में है, उनकी बीवियों का, उनके बच्चों का, उनके माता पिताओं का, उनकी क्या कंडीशन है. अगर आज हमारी सेना ना होती तो हम खुद ना जीवित होते हिंदुस्तान में. आज वो सेना हमारी सुरक्षा करती है, इसीलिए हम जीवित है. इस बात का ख्याल करते हुए मोदी जी से मेरा फिर से आग्रह है, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसमें पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया. शायद उन्होंने बताया कि हमारे लाशें नहीं है, ये हमारी ये नहीं है, हमारी वो नहीं है, ऐसे हमारा तो कोई लॉस ही नहीं हुआ. लेकिन कुछ ऐसा करो जो 1974 में इंदिरा जी ने 90,000 सैनिकों को लाहौर में घुस के बंदी बना लिया था और उसके बाद में जब बहुत से देशों की रिक्वेस्ट आई तो इंदिरा जी ने छोड़ दिया. और यही वो मसूद अजहर है ना, मसूद अजहर है जो हमने कंधार के टाइम छोड़ा था तब भी बीजेपी का शासन था. काश हम वो गलती नहीं करते तो आज ये हल्ले हमारे देश पे नहीं होते. बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है. थोड़ा सा अब हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है